नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। रामपुर टेक्निकल इंस्पेक्टर का टेक्निकल दिमाग, मोटर मालिकों और ट्रांसपोर्टरों ने दी अनशन की चेतावनी। शहडोल, कोयलांचल में एक बार फिर ट्रांसपोर्टरों और मोटर मालिकों ने मोर्चा खोल रखा है। कल दिनांक को रामपुर बटुरा खुली मैदान में ट्रांसपोर्टरों और मोटर मालिकों द्वारा सैकड़ों की संख्या में मेन गेट में ट्रांसपोर्टरों और गाड़ी मालिकों द्वारा केसरी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और आरोप लगाया गया कि रामपुर बटुरा खुली मैदान में टेक्निकल इंस्पेक्टर पटेल द्वारा पैसों की मांग की जाती है, न देने पर गाड़ी हमारी दो दो दिन खड़ी रहती है। बाहरी गाड़ियों से पैसे लेकर गाड़ियों को लोड करवाया जाता है, जिससे हम लोग अपनी गाड़ी की किस्त न देने में समर्थ रहते हैं। ट्रांसपोर्टरों और गाड़ी मालिकों द्वारा मांग की गई है कि लोकल गाड़ियों को 55% और बाहरी गाड़ियों को 45% लोडिंग में लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करने में मजबूर होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि KSK कंपनी का केसरी नामक व्यक्ति अपनी खुद की गाड़ियां छत्तीसगढ़ से कोयला लोड हेतु रामपुर खुली मैदान भेजता है। सूत्र बताते हैं कि टेक्निकल इंस्पेक्टर की मिली भगत से स्टीम कोयला छत्तीसगढ़ में भेज दिया जाता है, फिर वहां खराब कोयला राखड़ मिलाकर बेच दिया जाता है, जिससे उनकी कमाई चारों तरफ से हो जाती है और लोकल ट्रांसपोर्टरों और मोटर मालिकों को इनका हर्जाना भुगतना पड़ता है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस शहडोल से मिर्जा अफसार बेग की रिपोर्ट। आज आप लोग रामपुर SECL खदान पे एकत्रित हुए हैं, आपके लोग का आने का उद्देश्य क्या है इधर? हम ये सब मोटर मालिक हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि जितने भी DO चल रहे हैं, जितने भी कोयला उठाए जा रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ कोयला उठा रहे हैं, हमारी 70% लोकल गाड़ियाँ लगनी चाहिए, जो कि हर जगह का नियम है कि पहले लोकल गाड़ियाँ लगेगी फिर बाहर की गाड़ियाँ लगेगी, वरना काम नहीं करने देंगे, वरना यहाँ काम नहीं करने दिया जाएगा। एक यहाँ बड़ा उग्र आंदोलन होगा। आज हम लोग सिर्फ किसान देने आए हैं, हम लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ उठाए हैं और छत्तीसगढ़ वाले सब कोयला पलटी करते हैं, इसलिए हम लोग की गाड़ी नहीं लगाते। हाँ, पलटी करते हैं कहो, तो पहले हमारी गाड़ियाँ लगे, प्राथमिकता पहले हमको दी जाए। यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ढूल ढक खा रहे हैं, लेकिन उनके रोजगार का कोई पता नहीं। बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सारा DO उठा कर ले जा रहे हैं, बाहरी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ के लोकल वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उग्र आंदोलन होगा अगर इसके बाद अगर गाड़ियां नहीं लगाई जा रही। 2-3 दिन का हम इनको समय दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर हमारी गाड़ियां नहीं लगाई जाएगी तो यहां कम से कम 500,000 लोगों को लाकर हम यहां उग्र आंदोलन करेंगे और ग्राम वासियों को भी लेकर आएंगे और उनको भी यहां रोजगार दिया जाए, ग्राम वालों को भी। बस यही हम निवेदन करते हैं।